ट्रेन जो जान पैसेंजर है ये माड़ी इंडस बांध के चली जाती है। ये फिर दोबारा आज है जी 28 अप्रैल और सुबह का वक्त है 7:21। आज हम जा रहे हैं जी थाल एक्सप्रेस से अटक तक। आपको अटक तक का ट्रैवल दिखाएंगे। टेक्सटाइल रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए जो 1881 में ये तामीर किया गया है, 1500 कुछ पे भी ये वाक़ है। आज टेम्परेचर है 17 टेम्परेचर है, सब लोग सोए हुए हैं क्योंकि सुबह 7:30 का टाइम है। आज इतवार का दिन है तो लोग रश कर रहे हैं हम पे, हम तो जा रहे हैं घूमने फिरने ज़रा। तो उसके बाद हम आपको दिखाएंगे अटक से जान तक के भी, वो भी सैर कराएंगे। तो अभी नाश्ता करने वाले हमारे साथ हमारे पास मौजूद है जी इस वक्त अंडर बॉयल चाय मौजूद है, केक रस है, पिज़्ज़ा है और रोल है। तो हम जो है ना इनका करते हैं ना अंतिम संस्कार करते हैं और जो है ना आप ज़रा देखते रहें वीडियो, ठीक है जी। थाल एक्सप्रेस का कम से कम किराया 100 रुपया है, ठीक है जी। इसमें ये बच्चे की कोई तफरीक नहीं है कि अगर आप अटक जाएंगे तो उसका हाफ किराया होगा, उसका भी 100 रुपीज़ ही किराया लगेगा। ये बात के 15 मिनट हो गए हैं, ठीक है, और 1.25 घंटा हमारी थाल एक्सप्रेस डिले। तो अभी तो वो पहुंचने वाली है, कहाँ पहुंचने वाली है? गोरला पहुंचने वाली है। 8 बजे उसने यहाँ पहुंचना था, 8:15 हो गए हैं और ये पहुँचेगी 8:45 के लगभग टेक्सला रेलवे स्टेशन पर। तो उस पर मामूल इस बार भी वो लेट ही आ रही है जब हम आप इस पे सफ़र कर रहे हैं, तो ठीक है। जब आती है गाड़ी ये ओनर, अच्छा माशाल्लाह, कहाँ जा रहे हैं? कोहाट जा रहे हैं। तो कहाँ पे थाल एक्सप्रेस से कहाँ पे उतरेंगे आप? ये जंड में उतरेंगे, जंड पे उतरेंगे, जंड पे। तो उधर से इजीली गाड़ी मिल जाती है आपको आराम से? कोहाट का आराम से, कोहाट रिहायशा। टेक्सला रेलवे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मुसाफिर बोर्ड करेंगे जी, जैसा कि नज़र आ रहे हैं हमें। बिल्कुल प्लेटफार्म के दूध में दाखिल हो गई है। 8:50 यानी 50 मिनट डिले पे आ रही है। 55 किलोमीटर का सफ़र हम तय करेंगे जी 1 घंटा और 10 मिनट में, यानी कि हम 10 बजे एस्टिमेटेड टाइम है कि हम अटक रेलवे स्टेशन पे पहुँचेंगे। तो अभी अराइवल देखें 8050। अच्छा देखते ना, हाँ PH820। लॉन्ग जर्नी पे 8:54 पे हमारी गाड़ी निकल रही है टेक्सला रेलवे स्टेशन से। मलिक तनवीर हो जय जी पीरू मलिक तनवीर उफ्तीन साहब। बिल्कुल इंजन के साथ साथ है जी हम। ये है जी ML5, यहाँ से राइट टर्न हो जाता है और हम ML1 पे ही सफ़र करेंगे अटक तक। फिर अटक से ML कौन सा स्टार्ट होता है? ML2।
मंदिर, रघुनाथ मंदिर। कौन सी लोगे? कितने की है? 80 रुपए की। तो गढ़वाल आ रहा है, गढ़वाल पे मिलते हैं हम। वाह रेलवे स्टेशन। अभी टाइम हो गया जी 9:06 हो गए हैं, 9:06 हो गए और हम वाह रेलवे स्टेशन पहुंच आए। ऐसी वाह। हाँ, इसको वाह रेलवे स्टेशन बोलते हैं। एक मिनट का ये गालबन हाल्ट लेगी। डाउन हो गए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन है जी, किसी दिन विजिट करेंगे हम इस रेलवे स्टेशन का भी। मैं उस पे बैठता हूँ ना, मैं चक्कर लगा के आता हूँ, ठीक है? ओके। अब दूसरा सिग्नल हो गया जी, अगला रेलवे स्टेशन आएगा जी हसन अब्दाल। पिंड बोटी के ये पहाड़ हैं जी, पिंड बोटी गा इसको बोलते हैं। जी सीमेंट कंपनी है। बहुत बड़ा सोलर पैनल प्रोजेक्ट लगा हुआ, ये सीमेंट कंपनी का सोलर पैनल का प्रोजेक्ट था। हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन।
के 12 मिनट में अंदर पहुंचे हैं जी हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पे। पीएलसी पकड़ाएंगे जी ड्राइवर साहब को, ड्राइवर साहब भी एक्सचेंज करेंगे पीएलसी का। 9:13 मिनट हो गए हैं। क्यों मोहम्मद हैं? हाँ देखो ना जरा, माशाल्लाह काफ़ी बोर्ड हुए हैं जी और काफ़ी मुसाफरों ने ट्रेन को भी छोड़ा है। फर्स्ट विसल हो गया है, विसल बहुत कमज़ोर सा है ना। एक्सपेक्टेड है कि 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस बुरहान रेलवे स्टेशन पे हमारा उससे क्रॉसिंग होगा। यहाँ सिख यात्री अमूमी आते हैं और जो भी पंजा साहब आता है सिख यात्री जो जत्थों की सूरत में भी आते हैं, जो इंडिविजुअल आते हैं, वो ज़रूर हसन अब्दार रेलवे स्टेशन का विज़िट करते हैं और अपनी पुरखों की यादें ताज़ा करते हैं। हमारी गाड़ी रवाना होगी है जी हसन अब्दार रेलवे स्टेशन से। जंक्शन बनता है जी बुरहान इंटरचेंज। यहाँ पर सिग्नल तो डाउन ही है। हमें लूप लाइन पे लगा दिया गया है। मोहम्मद मोहम्मद
बुरहान रेलवे स्टेशन पे हमारी गाड़ी खड़ी है। ये इंजन है जी HBU 20 8050 और सामने से आ रही है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस, स्लो डाउन में आ रही है। ZCU 20 6406 के साथ के 32 मिनट पे क्रॉसिंग की है जी जाफर एक्सप्रेस ने। हमें रोड इस साइड पे है ना, तो स्टेशन इस साइड पे है बा का, सही है। तो जो असनबदार वाला वो लेफ्ट साइड बनता है, सही है। कटने के लिए तैयार है जी माशाल्लाह से गंदम। रात को भी बहुत तेज बारिश हुई है। जीटी रोड पे हमारे सामने है जी बिल्कुल ये लेफ्ट साइड बनती है बुरहान रेलवे स्टेशन पे, बिल्कुल लबे सड़क है। तो हम लोग अभी 10 मिनट से खड़े हैं यहाँ पे, तो यहीं पे वेट कर रहे हैं। अच्छा, ये PLC लेके आ रहे थे मौसूफ, थोड़ा सा ये टोकन लेट हो गया है तो इसलिए। क्या नाम है जी? माशाल्लाह आबिद साहब, यहीं पे बुरहान रेलवे स्टेशन पे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हफ्ते 10 दिन बाद आऊँगा आपके पास, पूरा एक दिन इधर ही गुजारना है मैंने। 10 दिन बाद आऊँगा, 10 दिन बाद, 10 दिन बाद आऊँगा। बैठेंगे ना इंजन में, ओपन करें यहाँ से। थोड़ा सा प्यास की लगी हुई है आपको भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह जी वाह माशाल्लाह, ये देखें जनाब माशाल्लाह। और ये बादल देखें जनाब आप, होय 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 माशाल्लाह। ये टिकटॉक बिस्किट 2 रुपए जो है ना आपका थाल पे। किधर से किधर तक? मुल्तान से, पिंडी, पिंडी से मुल्तान। अच्छा वाह जी वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। Thank you.
फकीराबाद रेलवे स्टेशन आ गया जी, बिल्कुल जीटी रोड से मुलेका है फकीराबाद। बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। पे हमारी गाड़ी फकीराबाद रेलवे स्टेशन में पहुंची है। तो किधर भाग रहे हो? अच्छा ये है जी मेन बिल्डिंग है फकीराबाद रेलवे स्टेशन की। चले हमारी गाड़ी निकल खड़ी हुई है तो हम बैठते हैं इसी पे। 1574 माइलस्टोन पे वाक़ है जी फकीराबाद रेलवे स्टेशन। माशाल्लाह ये बड़े बड़े बरगद के दरख्त भी लगे हुए हैं जी। कैसा सफ़र गुजरा है जी आपका? ठीक सफ़र है माशाल्लाह। गाड़ी थोड़ा सा लेट हो गई है वैसे, लेकिन फिर भी ठीक है। दिन के उजाले में आप पहुंच जाएंगे माशाल्लाह। ये देखिए तक आ गई है जी। संजवाल रेलवे स्टेशन रखा गया था। नहीं नहीं वो अडियाला जेल जेल है जी। ये जी जीटी रोड आ गया है जी, ऊपर ब्रिज है। बिल्कुल हम अप्रोच करने वाले हैं अटक रेलवे स्टेशन पे, उधर से आ ही गया हम। लेफ्ट साइड पे हमारी गाड़ी चली जाएगी जी। ML1 सामने रह गए और हम अभी ML2 पे आ गए हम। बिल्कुल जी रेलवे स्टेशन पे हमारी एंट्री हो रही है अभी। ये कंडीशन देखे जी, ऊपर लाइट लगी हुई है, ट्यूब लाइट है। और ये आ गए हम अटक रेलवे स्टेशन पे। माशाल्लाह बहुत रश है। चले चले माशाल्लाह।
उतरने का मौका ही नहीं दे रहे थे। इधर आ जाओ, आप कहाँ के रहने वाले हैं जी? टिक्सला के हैं। किस साइड पे कार के रहायश है आपकी? HMC में। यहाँ आज अटक कैसे आए हैं? इधर भी घर है अपना माल। ज़हीर हसन साहब जी, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी जी आपसे। अटक के रहने वाले यहाँ पे आज कैसे आना हुआ? पिंडी जाना है। पिंडी जा रहे हैं, किस पे जाएंगे? कौन सी ट्रेन पे? आवाम एक्सप्रेस पे जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले जाफर गई थी गुजर के, लेट हो गया। क्या नाम है आपका? फवाद। और आपका? साद। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? आपका नाम? अब्दुल बियूम। असिस्टेंट ड्राइवर? अच्छा, ठीक हो गया जी, बहुत मेहरबानी। अच्छा, उसके बाद जो है तो फिर उधर से आवाम ही आएगी। उधर से आवाम ये निकलेगी तो आप इस प्लेस करेंगे यहाँ पे जान पैसेंजर को? वो आएगी और उसका टाइम बराबर ये निकल जाएगी। ठीक है, वो 10:15 उसका टाइम है अपना आने का। आवाम का नहीं, 11:45 से 9 बजे आधा घंटा वो जो टाइम चेंज हो गया ना। बिल्कुल, वो निकल जाएगी, आएगी वो निकल जाती। अच्छा, उसके बाद सुपारी ट्रेन पिंडी से आएगी। अच्छा अच्छा, पेशावर से आएगी। वो अटक खुर्द में, वो उधर ही खड़ी होगी मेरा ख्याल। इधर से जो आएगी वो जाएगी सीधी अटक खुर्द, अटक खुर्द खाली करके फिर वापस आएगी इधर। अच्छा, इधर ही खड़ी होगी? इधर आएगी, इधर हम फिर सफाई वगैरह करेंगे, पानी भरेंगे, फिर यहाँ से एम्प्टी रेक जाएगा उनको लेने के लिए। फिर वहाँ से 4 बजे 3 बजे चलेगी, 4 बजे ड्राइवर डिपार्चर होगा, फिर यहाँ खड़ी होगी, हमला उतरेगा जाएगा, फिर वो सीधा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये रिपोर्ट आपने दे दी। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद रफीक। रफीक साहब, बड़ी मेहरबानी सर, आपने हमें पूरी डिटेल दे दी है जी। बड़ी इंडस वो जाएगी माड़ी इंडस 4 बजे। 4 बजे जाती है ये जो अपना, 11 बजे चलेगी ना। हाँ? ये जंड तक जाएगी, जंड से फिर ये 2:30 बजे वापस आएगी। फिर ये 3:45 आएगी ना। हाँ? 4:05 से यहाँ से अटक से फिर यही ट्रेन जो जंड पैसेंजर है। हाँ? ये माड़ी इंडस बांध के चली जाती है, ये फिर दोबारा माड़ी इंडस बांध के जाएगी 4 बजे। हमने आपको आज ये अटक तक हमने आपको दिखाई है, तो नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं बैक टू बैक वीडियोस आ रही हैं, तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके लाइक और शेयर ज़रूर अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।